महिला कांग्रेस की 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया। गौरतलब है कि 15 सितंबर 1984 को महिला कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अवसर पर 37वां महिला कांग्रेस स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय पर मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की महिला सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस मनाया। इसके संबंध में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सोनिया शुक्ला ने बताया कि 8 अगस्त 2018 को महिला कांग्रेस के नए झंडे का अनावरण पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह झंडा महिला कांग्रेस की पहचान है, जो महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, अंकिता तिवारी, पुष्पलता सिंह, प्रतिमा राय, निर्मला गुप्ता, उषा श्रीवास्तव, कुसुम पांडे, सरिता शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सोनिया शुक्ला ने कहा, महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है और ये झंडा जो है हम महिलाओं को मिला है। राहुल गांधी ने इसका उद्घाटन का 3रा साल है, एक पहचान भी है महिला कांग्रेस को। सोनिया शुक्ला, महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आज किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? आज 37वां महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है, जो 1984 में इंदिरा गांधी जी इसकी अध्यक्ष रही हैं, और आज जो है उसी के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज 3रा साल है राहुल गांधी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने इस महिला कांग्रेस को झंडे को लॉन्च किया था। आज हम लोगों को अपनी नई पहचान मिली है महिला कांग्रेस को, उसी के उपलक्ष्य में जो है आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।